सुन लेते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूसली इनपुट्स आ रही थी कि टेररिस्ट किसी बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने वाले हैं और सभी इंटेलिजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस इंटेलिजेंस को बिल्डअप कर रही थी और कल जब खबर आई तो उस बिल्डिंग को कॉर्डन किया गया। कॉर्डन करने के बाद टेररिस्ट को सरेंडर करने की अपील की गई। काफी देर अपील करने के बाद एक टेररिस्ट बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश उसने की, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने लगा जो अंदर उसके बाकी साथी थे उन्होंने फायर खोल दिया और ग्रेनेड्स सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ उन्होंने फेंके और उसको उन्होंने वापस अंदर बुला लिया। रात होने के बाद ऑपरेशन को हमने सस्पेंड किया, कॉर्डन जो था उसको टाइटन करके इंटैक्ट रखा और रात भर और सुबह फर्स्ट नाइट पर हमने फिर सरेंडर की अपील की। लेकिन जब भी हमने सरेंडर के लिए अपील की अंदर से या तो उन्होंने उसका जवाब फायरिंग से दिया या लगातार ग्रेनेड फेंके, तो इससे जाहिर होता है कि वो सरेंडर करने वाले ताक में नहीं थे और जो गोला बारूद उन्होंने पूरी रात यूज किया सिक्योरिटी फोर्स अगेंस्ट वो इस बात को दर्शाता है कि वाकई में नेशनल हाईवे के पास वो किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना चाहते थे। और उसके बाद जब दोनों तरफ से गोलाबारी हुई और इस कार्रवाई में तीनों के तीन मारे गए। थैंक यू।